नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल मीठी मटरी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप मैदा लिया है जिसे मैंने छान लिया है, चार बड़े चम्मच शक्कर, एक चम्मच सौंफ और तीन बड़े चम्मच घी। अब हम बाउल में मैदा लेंगे, उसमें शक्कर डालेंगे। मैंने यहाँ शक्कर और सौंफ को पीस लिया है। अब हम इसमें घी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि मोयन अच्छी तरह से मिल जाए और मटरी खस्ता बने। देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर इसका सख्त आटा गूंथ लेंगे। देखिए आटा गूंथकर तैयार है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। आधे घंटे बाद अब हम आटे को खोलकर देखेंगे। देखिए आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसकी लोई बनाकर इसे बेल लेंगे। अब हम इसे बेल लेंगे। चाहे तो आप बड़ी सी लोई बना करके इसे काट भी सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कुकी कटर से इसे काट रही हूँ। आप इसे मनपसंद शेप में काट कर बना सकते हैं। मटरी बड़ी भी होती है और मटरी छोटी भी होती है। अब हम मटरी में फोक से छेद कर लेंगे ताकि मटरी तलते समय फूले ना। देखिए इस प्रकार से छेद करना है। देखिए कितनी आसानी से निकल रही है। देखिए सभी मटरी में हमने छेद कर लिया है। अब हम इसे तल लेंगे। मैंने यहाँ तेल को पहले से ही कम आंच पर गर्म होने रख दिया था। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मटरी डालकर तल लेंगे। देखिए मटरी ऊपर आने लगी है। अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी तल लेंगे। इसी प्रकार हम दो से तीन बार इसे पलटते हुए अच्छी तरह से तल लेंगे ताकि मटरी अच्छी तरह से तला जाए। देखिए मटरी तलकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए मटरी बनकर तैयार है। अब मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी खस्ता बनी है। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।